अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, जिधर भी होंगे खुश होंगे। आज मैं आपके साथ घर के सिले हुए कुछ ड्रेसेस हैं उनकी डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। ये सबसे पहला मेरा ड्रेस है, ये टॉप कह लें या बन चौक वाली शर्ट कह रहे हैं, ठीक है। ये खुद स्टिच की हुई है, ये इस तरह स्टिच हुई है कि इसकी सबसे पहले ये देखें वी नोक वाली पट्टी बनाई गई इस पर, ठीक है। ये वी नोक वाली पट्टी है, फिर ये जो मिरर लगे हुए हैं ना, ये बाजार से जो मिल जाते हैं वो मल्टी शेड में लेके मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो हैंड से लगवाते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन मैंने बाजार से बने हुए लिए हैं, वो मैंने सुई के साथ इसके साथ अटैच कर दिए, ठीक है। और इसके बाजू जो हैं वो इस तरह चोंटों वाले हैं, देखिए कितने प्यारे लगते हैं। और इसके जो नीचे घेर था ना, उसको मैंने गुलाई भी दी हुई है, देखें। और ये जो पट्टी नहीं होती वो वाली पट्टियाँ बना के एक एक इंच की पट्टी मैंने इस तरह नीचे लगाई हुई है, ठीक है। देखें व्यूअर्स, ये इसकी बैक है, इधर मैंने बटन नहीं लगाया, बटन टेप की जगह पे, ठीक है। इधर मैंने ये धागे की बनी हुई डोरी नहीं होती वो लगाई, और इसके धागे के बने हुए टसल लगाई, ये भी लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। ये छोटे छोटे आइडियाज है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों के ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। ये टॉप जो है ये हम पेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, पेंट के साथ भी पहनना बहुत प्यारा लगता है। ये इसके साथ ये खुला ट्रोजर मैंने बनाया था, देखें, इसके साथ मिरर के साथ मैचिंग लेस लगाई हुई थी। ये पेयर बहुत अच्छा पहनना भी लगता है, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, हम खुद तैयार कर सकते हैं। अगर हमें स्टिचिंग नहीं आती, हम स्टिचिंग अपनी टेलर से करवा सकते हैं, मिरर वगैरह हम खुद लगा लें, जिस तरह भी मैनेज हो सकते हैं हम खुद ये घर में मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। डियर व्यूअर्स, ये मेरा सेकेंड ड्रेस है, ठीक है। ये ड्रेस इस तरह मैंने डिज़ाइनिंग किया कि इसके जो योक थी ना, इसका कपड़ा मेरे पास जो था वो विड्थ में कम था, तो मैंने उस में ये कपड़ा डालने के लिए ये डिज़ाइनिंग डिसाइड की। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि आपके पास भी अगर इस तरह का इशू है कि हमारी योक नहीं बन रही, तो इस तरह हम पीस डाल के देखें। मैंने फिर लेसेस का यूज़ किया, दोनों तरफ मैंने ये वाली लेसेस लगाई, डिज़ाइन लग रहा है ना। असल में मेरे पास ये योक की विड्थ का कपड़ा कम था, तो मैंने ये डिज़ाइन फाइनल किया। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। फिर मैंने ये देखें दोनों तरफ लेस लगाई, और इधर ये जो फूल है ना, ये मैंने हाथ से खुद ही बनाए हुए हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी के फूल ये मैंने खुद ही तैयार किए। फिर मैंने जो नीचे वाला घेर था, जो सेंटर वाला एरिया था, यहाँ से मैंने ये सिंपल रखा है, यहाँ कोई चोंट मैंने नहीं डाली, और इसके बाकी साइडों पर मैंने चोंटे डालनी है, ठीक है। और इसके बाजू मैंने ये देखे चोंटों वाले इस तरह किए, और यहाँ भी मैंने इसी धागे का यूज़ करके ये देखे इस तरह ये लाइनें बनाई, ताकि ये मैचिंग इसके साथ हो जाए। फिर नीचे घेर पे मैंने सारे वो लेस लगा दी, सिंपल सी डिज़ाइनिंग हो गई, और देखे कितना प्यारा फ्रॉक तैयार हो गया। और जो लेस है वो भी हमेशा नीटनेस लगाया करें, ठीक है। हाँ देखें व्यूअर्स, फिर मैंने इसके साथ ये ट्रोज़र बनाया, ठीक है। ट्रोज़र पे इस तरह मैंने डिज़ाइनिंग की है, इधर भी मैंने लेस लगा ली, इधर भी लेस लगा ली, और ये जो फूल थे उधर मैंने बनाए बॉडी पे, ये मैंने इसके पांचों पे भी बना दिए, ठीक है। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है ड्रेस, ये देखें। और इसके साथ मैंने मेहरून शेड में दुपट्टा तैयार किया। व्यूअर्स, ये मेरा तीसरा ड्रेस है जिसकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। इसके ये सबसे पहले मैं स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स मैंने बनाए प्रिंटेड, ठीक है। मेरे पास कपड़ा था प्रिंटेड पड़ा हुआ, स्लीव्स मैंने जस्ट प्रिंटेड बनाए हैं, दोनों अम्ब्रेला कट में हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी इस तरह की सारी वीडियो मिल सकें। तो ये जो अम्ब्रेला बाजू हैं ये प्रिंटेड थे, ठीक है। इसके साथ मैचिंग करके ये देखें योक पे आप देख रहे होंगे, योक पे मैंने धागे का काम एम्ब्रॉयडरी किया, ये भी मैंने खुद तैयार की है, ठीक है। वाइट इसमें प्रिंट था, वाइट ये मैंने धागा यूज़ किया, ठीक है, योक पे। और नीचे जो मैंने कटिंग की है ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला कटिंग में मैंने ये फ्रॉक तैयार किया, और नीचे मैंने वाइट मैचिंग करके ये देखें पाइपिंग लगाई हुई है, ठीक है। ये हम टाइट्स के साथ अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं। ये अम्ब्रेला जो हैं स्लीव्स, ये बहुत प्यारे लगते हैं, पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। और नीचे जो इसकी मैंने ये घेर तैयार किया था, ये भी फुल अम्ब्रेला में मैंने लिया हुआ इस तरह, ये देखिए कितना प्यारा चुंटे आती हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप बच्चियों को अपनी इनको टाइट्स के साथ भी पहना सकती हैं। लेकिन ये देखिए इस तरह, जैसे मेरी पेंट मैचिंग हो गई ब्लैक एंड वाइट, तो मैंने इसके साथ यूज़ कर लिया, वाइट टाइट्स पहनी जा सकती है। इस तरह ये ड्रेस हम कम खर्चे में बना के अपनी बच्चियों को घर में तैयार करके दे सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये लास्ट ड्रेस है, येलो एंड ग्रे का कंट्रास्ट है, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगता है येलो एंड ग्रे का कंट्रास्ट। ये इस तरह मैंने तैयार किया है कि ये टिशू लेके ना, टिशू की फ्रिल लगाई है गले पे,
ठीक है, ये टिश्यू की फ्रिंग लगा दी है, फिर नीचे घेर पे मैंने ये दो किस्म की लेसें लगाई हैं, ठीक है, दो लाइन इसकी, फिर नीचे जो है फ्रिल बड़ी वाली डबल करके, ये देखिए डबल जो है वो मैंने टिशू की दो फ्रिल लगाई हैं, ठीक है। देखिए जो फ्रिल मैंने इसके गले पे लगाई थी वो घूम के बैग लगाई हुई है, ठीक है, ये दोनों फ्रिल बैग पे भी लगाई हुई हैं। तो उसके बाद सेम वैसे जैसे फ्रंट तैयार किया था वैसे मैंने इधर भी ये डोरियाँ लगाई हैं, और वैसे ये घेरे पे डबल जो है टिशू की ये फ्रिल तैयार करके ये लगाई हुई है, नीचे से मैंने पीको करवा ली थी। इसके साथ फिर मैंने ये ट्राउज़र लॉन में ही तैयार किया है, ठीक है, फिर ट्राउज़र पे ये देखे मैंने ये लेसें लगा दी, ठीक है, इस तरह हल्की सी डिज़ाइनिंग भी बन गई और इसके साथ मैचिंग भी हो गया। देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे।